21 फंदे डाले हैं। 21 फंदे का ये मैं कलरफुल डोरमेट आपको बनाना बता रही हूँ। इसमें पहली सलाई पूरी उल्टी उल्टी बिन लेंगे, इस तरह से पूरी सलाई बना लेंगे। ये मैंने पूरी सलाई एक उल्टी उल्टी ये वाली पूरी बिन ली है। अब मैं इस तरफ आऊँगी तो ये पहला फंदा ऐसे उतार के आगे घुमा के ले लेंगे और इसको पूरा उल्टा उल्टा बीन लेंगे। ये मैंने बीन लिए। अब मैं ये दो फंदे छोड़ दूंगी और ऐसे घुमा के वापस आ जाएंगे और ये मैं पूरी सलाई यहाँ तक उल्टी उल्टी बीन लूँगी। और ये मैंने पूरी सलाई बीन ली। उस बार मैंने दो फंदे छोड़े थे ना, इस बार मैं भी दो फंदे छोड़ दूँगी और ऐसे घुमा के वापस लाऊँगी और ये पूरी सलाई यहाँ तक उल्टी उल्टी पूरी बीन लेना है इस तरह से और पूरी सलाई बीन लो। ये मैंने पूरी सलाई बीन ली उल्टी। अब मैं इसमें दूसरा कलर लगाऊंगी और उसमें मैं ये फंदा उतार लेंगे और ऐसे घुमा के ले लेंगे और दूसरा कलर यूँ लगाएंगे। इसको साथ में बीन लेंगे तो खुलेगा नहीं। इस तरह से एक बार नीचे करके और एक बार ऊपर करके ऐसे बीन लेंगे तो आपके साथ में ये जुड़ जाएगा या आप गांठ लगा लें जैसे आप। और ये इस तरह से पूरी सलाई इस कलर की बीन। उस बार मैंने दो बार दो फंदे छोड़ चुकी, इस बार मैं दो फंदे छोड़ूंगी। ये छह फंदे हो गए मेरे, छह ये ब्लू कलर के फंदे हो गए। अब मैं यहाँ से वापस आऊँगी और ये पूरी सलाई उल्टी भी लूँगी। पूरी एक सलाई बीन ली। अब मैं फिर इधर आके ये फंदा इस तरह से हर बार बीनना नहीं है, घुमा के लेना है वापस इस तरह से। तो ये पूरी सलाई पूरी उल्टी उल्टी बीनना है। इस तरह इस बार मैं ये व्हाइट कलर के दो फंदे छोड़ दूंगी और यहाँ से वापस आऊंगी। इसे मैंने ये एक दो दो के सेट में एक दो तीन छोड़े हैं, इसमें भी उसी तरह से तीन छोड़ेंगे। और ये पूरी सलाई मैंने एक बार छोड़ा है और ये दोबारा फिर बीन रही हूँ। ये मैंने दूसरी सलाई घुमा के बीन ली है। उस बार मैंने दो फंदे छोड़े थे, ये दो फंदे मैंने इस बार भी छोड़ दिए और यहाँ से घुमा के बीन लिया। अब मेरे ये दो के सेट में दो हो गए और ये मैं वापस पूरा इसी कलर से बीन लूँगी। इस तरह से पूरा ये मैंने पूरा वाइट से पूरी सलाई बीन ली। अब मुझे यहाँ पे दूसरा कलर लगाना है। अब मैं यहाँ पे ये पर्पल कलर लगा रही हूँ। इस फंदे को उतार के इसे घुमा के हर बार लेना और ये कलर मैंने यूँ ही इस तरह से लगा दिया। अब मैं इसे पूरा बीन लूँगी। और दो बार में वाइट की वाइट के छोड़ चुकी हूँ। अब मैं ये इस तरह से पूरा बीन लिया। अब ये मेरे तीन सेट छूट गए, एक दो तीन। और मैं यहाँ से घुमा के ले लूँगी वापस। सेम इसी तरह का ब्लू में भी मुझे बीनना है।
तरह पूरा बीन लेंगे मैंने, और ये इस बार बीन लेंगे। फिर इसको वापस उतार के ये घुमा के लेके पूरा बीनना है। हम पर्पल के दो फंदे छोड़ेंगे, ये दो यहाँ से इसे घुमा के फिर लेंगे, और ये ऐसे पूरा सिलाई उल्टी वाली ये साइड में पूरा सेम बिनना है। ऐसे अब मैं फिर दो बार छोड़ूंगी, फिर मैं पर्पल यूं बिन के ऐसे पर्पल बीन लेंगे। इस बार मैंने दो फंदे छोड़े थे, इस बार भी दो मतलब चार फंदे हो गए मेरे, ये घुमा के यूं ले लेंगे इस तरह। इस बार में दो ले लिए, अब मैं इसमें दो बार चूज किया, अब मैं इसमें ये तीसरा कलर लगा रही हूँ, पिंक का तीसरा कलर। इसको यूं ही ये दो फंदे छोड़ दिए, अब मेरे ये पर्पल के भी तीन सेट हो गए दो दो से। हमें इसको यूं घुमा के ऐसे ले लूँगी, और ये ऐसे बीन लेंगे। अब मैंने यूं बीन लिया और इसको बीन लिया। अब ध्यान देना, ये फंदा उतारा मैंने और ये बीना। इस बार मुझे इसका इस तरह से ये तीनों फंदे फिर बीन लिए, ये फंदा हम उतार लेंगे और इससे यूं घुमा के ऐसे ले लेंगे, और ये बीनेंगे नहीं इसको, फिर ये सिलाई में उतार के फिर ये मैंने बीन के बीन लिए इस तरह से। ये हमारा बन गया। अब मैं ये की पिंक से बन गया, अब मैं इसको ऐसे घुमा लूँगी, अब इसमें पर्पल कलर लगाऊंगी। ये यो बीना ये दो, अब ये पर्पल के दो बीनेंगे, एक दो फंदे, हर बार दो दो फंदे बिनना है। अब मैं इस तीसरे फंदे को ऐसे लेंगे, इधर से घुमा लूँगी और ये फंदा उतार लेंगे, और ये हम अपने पूरे फंदे बीन लेंगे इस तरह से। और ये ध्यान रखना, इसे मुझे हर बार इस तरह से लेना है, नहीं तो हमारे बीच में जो गैपिंग रह जाती है वो गैपिंग नहीं रहेगी। इस तरह से ये बिना ये, और ये मैंने ये फिर दो फंदे बीन लिए। अब इस फंदे इसको यूँ उतारेंगे, यूँ निकालेंगे और इसको यूँ उतार के हर बार इस तरह से यहाँ तक बीनते हुए आ जाएंगे। अब पर्पल के बाद में इस तरह से जब पूरा पर्पल बीन लेंगे इस तरह, ये मेरा पूरा पर्पल कलर बीन गया। अभी एक लाइन बाकी है, यूँ इस तरह से करके ये हमारा यूँ बीनेंगे। पूरा ये बीन गया पर्पल। अब हमें व्हाइट बीनना, इसलिए हम इसको यूँ करेंगे, यूँ घुमा लेंगे और ये व्हाइट वाला फंदा बीनेंगे नहीं। ये हर बार ध्यान रखना है हमको, और हमारे बीच में जो दूरी की गैपिंग रहती है वो नहीं रहती, एकदम एक सा डिजाइन सेम आता है, और पूरा इस तरह से यहाँ तक बीनते आएंगे। और ये फंदा मैंने उतार लिया, पर्पल यूं घुमा के ले लिया, और ये फंदे हमें साथ में लेके चलना है। अब मुझे ये कलर लगाना है यूं, क्योंकि अब मुझे व्हाइट फंदा बीनना है, और ये तीन लाइनें मैंने उसकी बीन ली, तीन लाइनें मुझे व्हाइट की। अब मैं ये व्हाइट कलर लगा के पूरी लाइन यूँ ही बीनेंगे इस तरह से, पूरी सिलाई व्हाइट की। अब मुझे ये दो व्हाइट फंदे बीनने हैं, एक ये
और ये दो दो बिंदी और मैं तीसरे फंदे से यू करके यू घुमा के ले दूंगी इस तरह से, और ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनेगी। अब मैं यहाँ तक इसे बुनूंगी, फिर ये कलर लगाऊंगी, फिर ये मैंने पूरे फंदे ये लास्ट पर बिन लिए। अब ये लास्ट के भी दो फंदे अभी मैंने पूरा यूं ही बुन लिया। अभी मेरी एक कली तैयार हो गई है। अब दूसरे को हम अब ये सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बीन देंगे। ये मेरी कली एक कली बन के तैयार हो गई ये इस तरह से। अब मैं दूसरी कली स्टार्ट करूँगी तो सेम कलर ये ब्लू से ये फंदा उतार के घुमा के ले लेंगे और सेम उसी तरह से जैसे शुरुआत में किया था सेम उसी तरह से रिपीट करेंगे और रिपीट इस तरह से हर कली बनाते बनाते इससे ऐसे बनाएंगे सेम पूरा। अब यहाँ से मेरी ये दूसरी कली तैयार हो रही है तो इसको इस तरह से पीस देंगे। और ये दो फंदे इस बार छोड़ देंगे और ये घुमा के ले लेंगे ये इस तरह से पूरी सिलाई बीन लेंगे। और यहाँ से अब अगली बार आऊँगी तो दो ये इस तरह से सेम ऐसे ही रिपीट हो गया। अब इसके आगे ये मेरी दो ये दो दो छह फंदे इस कलर के छोड़ेंगे फिर छह वाइट से और छह से इस तरह से मेरी दूसरी कली स्टार्ट हो जाएगी। और ये हमारा पूरा डोरमेट तैयार हो गया। पूरी सात कलियाँ बन के खूबसूरत सा डोरमेट तैयार गया। अब ये आखिरी सिलाई पूरी इस तरह से बीन लेंगे। ये मैंने पूरे सिलाई बीन लिया और ये हमारा डोरमेट देखिए कितना खूबसूरत डोरमेट तैयार हो गया। अब ये लास्ट में हम लोग फंदे घटा देंगे इस तरह से। ये फंदा उतार लिया और इसको बीन लिया और फिर इस फंदे को इस फंदे से ऊपर करके ये निकाल के एक फंदा कर दिया इस तरह से। दूसरा भी बीन लिया और इसको ऊपर से निकाल देंगे इस तरह से। पूरा फंदे निकाल के घटा लेंगे और हमारा डोरमेट तैयार हो जाए तैयार हो जाएगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, लाइक करना शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।